हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्वल लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्री एंड आवर टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम इज इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल में जो एंगल ए है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें ये प्रूफ करके देना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनियस है अर्थात बी सी, इस बी सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के, अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द टू अदर साइड्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइड बी सी इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तब हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट साइड बी सी स्क्वायर इक्वल टू साइड ए सी स्क्वायर प्लस साइड ए सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करके देना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें ट्रायंगल ए बी सी में कंस्ट्रक्शन करना होगा कंस्ट्रक्शन क्या करना है ए बी सी में। तो जो ए बी सी ट्रायंगल है इसमें हमें ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तब हम कहेंगे ड्रा अ परपेंडिकुलर ए डी ऑन बी सी, ड्रा अ परपेंडिकुलर ए डी ऑन बी सी। तो ये हमारा ए डी जो है बी सी साइड पे परपेंडिकुलर हुआ। अब परपेंडिकुलर हुआ तो हम कह सकते हैं कि दैट इज एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है। तो जो ये एंगल्स हैं ए डी बी और ए डी सी, ये 90 डिग्री के एंगल्स होंगे। तो ये आपके 90 डिग्री एंगल्स हो गए। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ इसका कैसे करेंगे। तो इसके प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे टू ट्रायंगल्स ले लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ले लेंगे और सेकेंड ट्रायंगल हम ए बी डी ट्रायंगल ले लेंगे। इन टू ट्रायंगल्स के बीच में हम सिमिलरिटी दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिमिलरिटी दिखाते हैं। तो हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। फर्स्ट कंडीशन हम शो करेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल एंगल
ए डी सी इक्वल 90 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो एंगल है ए डी बी ये 90 डिग्री है और बी ए सी इस ए बी सी ट्रायंगल में बी ए सी एंगल यानी ए एंगल भी 90 डिग्री है। तो बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री, सो बी ए सी इक्वल टू ए डी सी, ये गिवन एंड बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट कंडीशन है एंड सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन हम सिमिलरिटी के लिए शो करेंगे कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए बी सी कॉमन एंगल। अब जो टू टर्म कंडीशंस हमारी सिमिलरिटी की सेटिस्फाई कर गए तो हम कहेंगे कि जो हमारे ट्रायंगल हैं सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी डी। अब ये सिमिलर कैसे हैं? तो इसकी सिमिलरिटी को शो करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि ये जो आपका है ये ए ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी अर्थात अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में ए बी साइड अपन बीसी साइड का रेशियो इक्वल होगा, ए बी साइड अपन बी सी साइड रेशियो इक्वल होगा बी डी अपन ए बी। दैट इज जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली नाउ वी कैन टेक द ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये टू ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हमारी कंडीशन है एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? गिवन। सेकंड कंडीशन एंगल ए सी डी इक्वल एंगल ए सी बी कॉमन एंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी बाय ए ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ये अब जब टू ट्रायंगल्स यहाँ भी सिमिलर हो गए तो हम कह देंगे कि साइड ए सी अपान बी सी इक्वल टू डी सी अपान ए सी। अर्थात
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमें प्रूफ करना है कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन सेकेंड में ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है और इक्वेशन फर्स्ट में ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, दोनों वैल्यू को हम ऐड कर दें। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बी सी इंटू बी डी प्लस बी सी इंटू डी सी। यहाँ पे देखा जाए तो बी सी कॉमन है टू टर्म में से, तो बी सी को हम कॉमन निकाल लेंगे, तब हमें मिलेगा बी डी प्लस डी सी, और जो बी डी प्लस डी सी है, ये बी डी प्लस डी सी जिसे हम कह सकते हैं कि बी डी प्लस डी सी इजक्ल टू बी सी, अर्थात बी डी प्लस डी सी की जगह पे यहाँ पे हम बी सी लिख सकते हैं। तो कहेंगे कि बी सी इंटू बी सी, तो ये आपका हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, अर्थात बी सी स्क्वायर। तो जो हमारी थ्योरम है उसका प्रूफ आ जाएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, यही पाइथागोरस थ्योरम है प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट किया। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे अपनी क्लास क्लोज करते हैं। ओके।